Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to discuss chapter number 5 of class 7th, which is Matter and Chemical Formula. This is chapter of chemistry. And in this part of this video, we are going to discuss about that what is matter and composition of matter, which is on your book page number 59 to page number 60. So let's start with matter. That what is matter? Matter kya hoti hai? We see variety of objects, living and non-living, in our daily life. They are different shape, colors and size, but all of them are made up of matter. So in our daily life, we see so many things. Some are living, some are non-living. Okay. And when we look out, they are of, you know, different shapes, different color, different size. क्या सारी चीज़ें सेम शेप की होती हैं? ऑब्वियसली नहीं. जैसे कि आपकी टीवी और रेफ्रिजरेटर का क्या शेप सेम होता है? ऑब्वियसली नहीं. तो जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज़ की हो सकती हैं. बट एक चीज़ उनमें कॉमन रहती है. द कॉमन थिंग इज दैट दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर. नाउ दैट व्हाट इज मैटर, कि ये मैटर है क्या? एनीथिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर. सो इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज वी कैन से दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड परसीव्ड बाय आर सेंसेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास होता है और वो क्या करती है, वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस. ऑक्यूपाई स्पेस करने का मतलब ये होता है कि वो जगह घेरती है. ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ जो कि मैटर है वो जगह घेरती है और उसको आप बाय योर सेंसेस क्या कर सकते हो, आप पता चला लगा सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका बेड है, आपका फ़ोन है, आपका खुद आप हैं, इवन आपकी कपबोर्ड है, रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग, सब में क्या होता है, सब में मास होता है और सब क्या करते हैं, सब जगह घेरते हैं. आपकी नोटबुक, पेन, पेंसिल, योर मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग इज़ मैटर. सारी चीज़ें क्या हैं? सारी चीज़ें मैटर है. ओके, और उसको आप अपनी सेंसेस के थ्रू भी पता लगा सकते हो. मतलब सेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आँखों से देखना, कानों से सुनना, नोज से स्मेल करना, ठीक है, टंग से टेस्ट करना, ठीक है ना. तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, किसी भी चीज़ को देख सकते हो ना. तो दिस इज़ मैटर. Thus the air we breathe is also made of matter. Even जो भी हम air breathe करते हैं ना, वो भी पता है क्या है, वो भी matter है. अब कहेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, because कैसे air occupy करती है space? Obviously करती है space. जैसे कि आपके या मेरे, अगर हम लोग सामने बैठे हैं तो हमारे बीच में क्या field है, हम लोगों के बीच में air है. Air क्या करती है, occupy करती है space. ये हमें दिखती नहीं है, it is invisible, but it occupies space. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्या करें कि किसी भी घर में अगर आपने कुछ जला रखी है, जैसे अंगीठी जला रखी है, तो उसका जो स्मोक होगा, धुआं होगा, तो धुआं क्या पूरे घर में नहीं फैल जाएगा? तो उसने पूरे घर को क्या ऑक्यूपाई नहीं किया? ऑब्वियसली किया. सो दिस इज़ मैटर. सो जो एयर होती है वो भी क्या होती है, वो भी मैटर होती है. मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ व्हाट मैटर इज़ मेड अप ऑफ. सो जनरली जैसे कि आपको पता है, there are three states of matter. First is solid, second liquid and third is gas. Now the main and the important thing is, हमने ये पता लगा लिया कि जितनी भी चीज़ें हैं all around us is made up of matter. Now the problem is, I am going to ask you a question, that matter किससे बना होता है? Matter भी तो किसी ना किसी से बना होगा ना, तो यही देख लेते कि matter किससे बना होता है. So now we are going to discuss composition of the matter. So first is atom. Matter is made up of tiny particles called atoms. So जो matter होता है वो किससे बना होता है, वो बहुत छोटे छोटे particles, बहुत इतने छोटे particles कि वो आपको दिखते भी नहीं. For example, you are looking at your notebook. So क्या आपको वो atoms दिखेंगे? Obviously no. आपको क्या दिखेंगे, आपको वो पूरी notebook दिखेगी. सो एटम्स किससे बने होते हैं, जो भी मैटर बना होता है वो किससे बने होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे कहते हैं एटम्स. दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सब्सटेंस. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स. लेट अस स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम.
सो दीज एटम्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं हम, किसी भी सब्सटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक को हम कहते हैं उसका एटम. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको घर बनाना है, सो जो ब्रिक है, ब्रिक इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक. एक एक ब्रिक जब जुड़ेगी तो पूरा घर बनेगा. ऐसे एक एक एटम जब जुड़ेगा तो पूरा मैटर बनेगा. जो भी थिंग आपके आसपास है, एवरीथिंग ऑल अराउंड अस इज मेड ऑफ एटम. वो किससे बना है, वो एटम से मिलकर बना है. चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. सो एटम क्या होता है, एटम एक सबसे छोटी ऐसी यूनिट होती है जिसमें जितनी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मैटर में कोई प्रॉपर्टी है तो उसके एटम में भी वो सेम प्रॉपर्टी होगी. ओके, जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, तो उसके पूरे एटम में, पूरे जो एक भी एटम होगा ना, सारे एटम्स में सेम प्रॉपर्टीज होंगे. पूरे मैटर के जितने भी एटम्स होंगे उसमें सेम प्रॉपर्टी होगी. तो एटम क्या होती है, एटम एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें उस पूरे मैटर के करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है ना, मतलब उसकी सारी विशेषताएँ उस एटम में प्रेजेंट होती हैं. ओके, चलिए तो नेक्स्ट है, इट कैन नॉट बी सीन बाय अनएडेड आइज और इवन विद अ स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप. यू कैन नॉट सी एटम्स बाय योर अनएडेड आइज, इवन यू कैन नॉट सी द एटम्स बाय द स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप. यू नीड कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी द एटम्स. नेक्स्ट इज इन सॉलिड एटम्स आर टाइटली पैक्ड टूगेदर, इन लिक्विड्स दे आर लूजली पैक्ड, वेयर एज इन गैसेज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. सो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर यह बताया गया है कि कितना स्पेस होता है जनरली उनके एटम्स के बीच में. जैसे सॉलिड के एटम्स दे आर टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं सॉलिड के एटम्स. वाइल लिक्विड के एटम्स क्या होते हैं, लिक्विड के एटम्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती. एंड नेक्स्ट इज गैसेज, गैसेज के बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा है ना इतना ज़्यादा जल्दी कैसे गैस फ्लो करती है, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और बहुत जल्दी 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 क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं. ओके, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. ओके, एंड वी ऑल्सो डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एटम्स किसका बना होता है. एटम भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा ना, तो एटम किसका बना होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए, एंड एटम इज मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो एज इट इज़ वेरी मच क्लियर विद दिस लाइन दैट एटम इज मेड अप ऑफ वेरी यू नो स्मॉलर पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं इन्हें हम, इन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. क्या है ये, ये हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर. सो यू विल टेक थ्री, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और जो भी सेंटर होता है ना, सेंटर होता है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियस. फॉर एग्जांपल ये जो एटम का सेंटर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. द आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. अब हमने क्या पढ़ा अभी कि एटम थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये एटम में रहते क्या हैं, ये तीनों आपस में क्या रह पाते हैं आराम से, ठीक है, एक ही घर में अब तीनों को रहना है तो क्या बिना लड़ाई झगड़े के ये रह पाएंगे, वही हम डिसाइड करने वाले हैं कैसे. देखिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके न्यूक्लियस में. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, उन्हें कोई परेशानी नहीं है एक साथ रहने में, ठीक है ना. तो ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर. नाउ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर, मतलब इलेक्ट्रॉन की बनती नहीं है इन दोनों से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ये आउटर शेल्स में रहते हैं, आउटर क्या रहते हैं, ऑर्बिट्स में रहते हैं. ये जो ऑर्बिट्स दिख रही हैं, ये इन ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं,
ओके तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रहते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे न्यूक्लियस में. ओके चलिए नेक्स्ट. प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन आर अबाउट ऑफ द साइज ऑफ प्रोटॉन बट हैव नो चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स मच स्मॉलर देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज. सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनके चार्जेस क्या होते हैं, मतलब इनके ऊपर क्या चार्ज होते हैं. जैसे जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज. ओके और इसका और न्यूट्रॉन का साइज, इसका और न्यूट्रॉन का साइज क्या होता है, लगभग सेम होता है. बट न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन मतलब कि नन, एन से स्टार्ट होता है, एन एन फॉर नन, कोई भी चार्ज नहीं. एंड वॉट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. ओके इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है आपका नेगेटिवली चार्ज. सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज. न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग सिमिलर साइज के होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन दोनों से थोड़ा छोटा होता है. ठीक है तभी तो इनकी नहीं बनती, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम साइज के हैं. ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा छोटा है, तो उसको बोल दिया आप बाहर रहो और हम दोनों न्यूक्लियस में रहेंगे. ओके चलिए नेक्स्ट. डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो क्या होता है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे, उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको सब एटॉमिक पार्टिकल देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, लेकिन जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं ना किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी एटम में, उतने ही क्या होते हैं, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, किसी में अगर 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी में 16 है प्रोटॉन तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके चलिए, जैसे कि डिफरेंट देख भी लेते हैं, जैसे कि आपका Na है, Na में क्या होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है ना, उसके बाद Mg देख लेते हैं. Mg मतलब कि मैग्नीशियम, इसे कहते हैं सोडियम, इसे कहते हैं मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 ही प्रोटॉन होते हैं. ओके चलिए नेक्स्ट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एन एटम कैन लूज और गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन. एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम बाय द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होता है, जो हमारा एटम होता है, अब वो क्या करता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शेयर कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो उनका शेयरिंग हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं. बट ये किसकी शेयरिंग कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है. तो या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन मतलब लेना, ठीक है, या फिर ये क्या करेगा, या ये क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन. अगर ये गेन करेगा या लूज करेगा तो जो बनकर आएगा उसे कहते हैं आपके आयन्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया, किसी से भी लिया, गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो गेन किया तो वो हो जाता है आपका नेगेटिवली चार्ज. कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज, Cl नेगेटिव. Cl क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो Cl क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. और अगर ये लॉस करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा हो जाता है, ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, मतलब नेगेटिव. अगर कोई भी चीज़ आप नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव हो जाओगे कि नहीं, और अगर नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दोगे तो क्या हो जाओगे, तो आप हो जाओगे पॉजिटिव. ओके सिंपल इट इज़. ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स, दैट व्हाट आर मॉलिक्यूल्स. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली कम्बाइंड टुगेदर. सो पहले हमने पढ़ा कि एटम्स क्या होते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उससे पहले हमने ये पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट आर मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं मैटर की, जो कि क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन मैंने ये सेम बात आपको किस में बताई थी, ये सेम बात मैंने आपको एटम्स में बताई थी कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, उन्हें एटम कहते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड एन एटम. तो क्या डिफरेंस है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एटम से मिलकर बनते हैं. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जब एटम्स मिलते हैं
तो क्या बना लेते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा एटम्स को केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इन अ मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइन इन टू वेज, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में एटम दो तरीके से कंबाइन करते हैं, टू वेज, देर आर टू वेज बाय विच दे कैन कंबाइन। सो फर्स्ट इज टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। तो क्या होता है, या तो सेम एटम के दो या दो से ज़्यादा आपके एटम्स मिल जाएं, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच टू, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम्स है, इसमें दो हाइड्रोजन, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन एटम्स से मिलकर बना है। एक तो तरीका ये है कि सिमिलर हो, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हो। ओके, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जिस्ट कंसिस्ट ऑफ वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन एटम्स। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि इसमें तो क्या था, सेम एलिमेंट था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो एटम्स होंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब जैसे एक कार्बन है तो दो ऑक्सीजन हो गए, तो ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, या फॉर एग्जाम्पल दो हाइड्रोजन के हो गए और एक ऑक्सीजन का हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका H2O वाटर। तो इसमें क्या होगा, टू या मोर देन टू होंगे, इसमें सेम नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सो देर आर टू बेस बाई विच एटम्स कंबाइन टुगेदर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स, थैंक यू सो मच।